तो गाइस इस वीडियो में आपको एयर सुविधा फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं, तो आपने गूगल पे जाके सर्च करना है। तो सबसे पहले आपने इसमें लिखना, अपना नाम लिखना है जो पासपोर्ट के अंदर है, उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पर नीचे, और ये फिर आपने जेंडर अपना चेंज मतलब जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल। तो नीचे आपने अपना जो फ्लाइट नंबर लिखना है और उसके नीचे आपने ये आपका जो सीट नंबर है वो लिखना है, ठीक है ना। आपकी जब टिकट कंफर्म हो जाती है उसमें जो डिटेल है वही इसके अंदर डालनी है। उसके बाद आपने ये जो PNR नंबर ये छोड़ देना, इसको अपने नीचे नेशनलिटी अपनी डालनी है, आप इंडिया से या फिर और कौन सी भी कंट्री से आपने वही डालना है, ठीक है ना। तो मैं इंडिया से, मैं यहाँ पर इंडिया डाल देता हूँ। तो मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी मैं इसके अंदर कुछ भर नहीं रहा, नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ मैं ये। इसमें आपने अपनी जो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है इसके अंदर, और यहाँ पर आपने ये अपलोड फाइल पे जाके इसको कर देना है। उसके बाद आपकी जो आपकी फ़्लाइट किस दिन की आपने वो डेट इसके अंदर डालनी है, ठीक है ना। यहाँ पर डाल के जो इंडिया मतलब आप इंडिया किस दिन जा रहे हो या फिर जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो तो कंट्री आपने यहाँ पर चूज़ करनी है, ठीक है ना। तो नॉर्मली मैंने मलेशिया डाल दिया, बाकी अगर आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो तो आपने यहाँ पर वो डालना है। सो यहाँ पर आपने नो कर देना है। इसके बाद ये नीचे आपने आर यू टेकिंग कनेक्टेड डोमेस्टिक फ्लाइट, यहाँ पर भी आपने नो कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, अपलोड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर जो आपकी वैक्सीनेशन हुई है उसका आपने यहाँ पर अपलोड करना है, जो उसकी फ़ोटो है, ठीक है ना, जितनी भी आपकी डोज हुई यहाँ पर। फिर नीचे आके लोकेशन वेरिफिकेशन डोज, जहाँ पर आप मतलब वैक्सीन आपकी कहाँ हुई है वो लोकेशन आपने डालनी है, इंडिया में हुई है मलेशिया में हुई है। तो नॉर्मली मैं इंडिया डाल देता हूँ, बाकी अगर आप मलेशिया से जा रहे हो तो आपने मलेशिया यहाँ पर डालना है, और वहाँ मतलब किस डेट को हुई थी आपकी वैक्सीन वो डेट इसके अंदर डालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर ये अपने आप जो PCR टेस्ट है उसकी आपने डिटेल डालनी है, यहाँ पर PCR टेस्ट की डिटेल डाल के मतलब इसमें डेट डालनी है। फिर ये जो सिटी उसके मतलब आप किस दिन जा रहे हो वो डेट इसके अंदर डालनी है। नीचे आपने सिटी का जो मतलब दिल्ली है या फिर मतलब यूपी गुजरात मतलब जिस भी स्टेट में आप जा रहे हो आपने यहाँ पर चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपने ये अपना हाउस नंबर डालना नीचे, ये हाउस नंबर डाल के, तो हाउस नंबर डालने के बाद आपने जो आप मतलब आपका गांव कौन सा है उसका नाम लिखना, अपने सिटी का नाम लिखना, ठीक है ना। यहाँ पर पूरी डिटेल डालनी, तहसील आपकी जो भी मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हो वो एड्रेस आपने डालना है। यहाँ पर आप मतलब किस स्टेट से हो वो स्टेट डालना, जैसे कि मैं यहाँ पर गुजरात डाल देता हूँ, गुजरात, तो मैंने यहाँ पर गुजरात चूज़ कर लिया। यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है ना, इंडिया का फ़ोन नंबर। तो इसके बाद यहाँ पे आपने अपना कोड भी डाल देना है, मतलब आप जिस स्टेट में पढ़ते हो हर स्टेट का अलग अलग कोड होता है, तो यहाँ पर आपने अपना कोड डालना है, ठीक है ना, स्टेट कोड। और नीचे आपने एक और नंबर इंडिया का नंबर डालना, आपका कोई भी रिलेटिव है या फिर आपका कोई दोस्त है उसका आपने नंबर यहाँ पर डाल देना है। और अगर आपके पास ईमेल आईडी है इंडिया की या फिर यहाँ की कोई भी ईमेल आईडी इसमें आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप नीचे आने के बाद इन में आपने जो ये मतलब सिम्बट पूछ रहा है, अगर आपको कोरोना की मतलब कोई भी पहले कोई खांसी जुकाम कुछ हुआ है तो यहाँ पर आपने सब में नो नो मतलब टिक मार कर देना है, नो, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप नीचे आ जाते हैं, डिटेल्स द कंट्री विजिट द एटलीस्ट 14 डेज, ये पूछ रहा है कि आप 14 दिन मतलब किसी कंट्री में गए, 14 दिन के अंदर आप किसी कंट्री के अंदर गए हो तो आपने यहाँ पर डिटेल डालनी कौन सी कंट्री में गए हो, अगर नहीं गए तो आपने यहाँ पर नोन कर देना, ठीक है ना। अब मतलब कितने पैसेंजर जा रहे हो, तो आप एक जा रहे हो तो आपने एक एयर सुविधा फॉर्म फिलअप किया है यहाँ पर, तो आपने सिर्फ यहाँ पर एक ही चूज रखना। फिर यहाँ नीचे आने के बाद आपने ये जो अपने जो फॉर्म फिल किया उसकी गाइडलाइन से तो उसको एग्री कर देना, आपने तीनों पे टिक मार कर देना है। उसके बाद आप सबमिट कर देना, आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने जो ईमेल डाली थी उस पर मतलब ईमेल पे ये आ जाएगा और वहाँ से आपने प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है ना। आपने जो मेल इसके अंदर डाली है उसी पे मिलेगा ये आपको, वहाँ से आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना। तो आशा करता हूँ गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक।